क्लास सेवन के साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ जो कि हमारा है फाइबर टू फैब्रिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर हम कह सकते हैं। इसमें हम लोग फाइबर के बारे में और उसे फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फाइबर क्या होता है। वैसे तो फाइबर और फैब्रिक जो है ये चैप्टर, इसको आपने क्लास सिक्स में भी पढ़ा होगा, तो आप बखूबी इस को जानते होंगे, कुछ समझते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास सेवन्थ में इसको और अच्छे से जानेंगे और इसमें जो है इसमें और आगे कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा। फाइबर मीन्स क्या होता है? रेशा। आप रेशा जो है देखे होंगे, पहले बात करते हैं फूड की। फूड में भी आपने रेशा देखा होगा, जैसे कि आप ऑरेंज खाते हैं तो उसमें पतला पतला सा रेशा निकलता है, आपने गौर किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप घर पे ऑरेंज मंगाइए और उसे ऑब्जर्व करिए, उसमें से जो रेशा निकलता है। ठीक है, स्पेनिश, उसमें आपने देखा होगा जो रेशा निकलता है वो क्या होता है? वो भी एक तरह का फाइबर है जिसे हम रफेज कहते हैं। ठीक है, हमारे बैलेंस डाइट में आपने पढ़ा होगा, बैलेंस डाइट में हम लोग रफेज को पढ़ते हैं। रफेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रफेज जो है वो इनडाइजेस्टेबल है, मतलब कि डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रफेज अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के जो पार्ट है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अब उसमें वो क्या करता है? उसको सफाई करता है। ठीक है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में या और भी पार्ट में जो है वो क्या करता है? उसको साफ करता है। ठीक है, और फिर ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फूड में भी हमारा जो है फाइबर होता है। ठीक है, तो फाइबर हमने वहां से देखा। दूसरा हमारा जो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है क्लॉथ, क्लॉथ फाइबर। आप देखें जो भी हम क्लॉथ पहनते हैं, अर्ली डेज से वो चले आ रहे हैं कपड़ा पहनना। पहले लोग जो है जब क्लॉथ का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग पत्तों से अपने बॉडी को कवर करते थे, फिर धीरे धीरे लोग विकसित हुए, लोगों ने फाइबर्स को समझा, जाना, पहचाना, तो फिर धीरे धीरे क्लॉथ का निर्माण हुआ। अब ये क्लॉथ कैसे बना? तो यही फाइबर से बना। पहले फाइबर को खोजा गया, फाइबर से फिर फैब्रिक बनाया गया। तो आइए इसके हिस्ट्री को हम लोग समझते हैं कि कहां से ये शुरुआत हुआ था फाइबर, पहले इसको हम लोग जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर इजिप्ट, इजिप्ट जो देश है वहां पर पहले फाइबर का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्ले और स्ट्रॉ को मिलाया, जो वहां पर जहां पर उन्होंने फाइबर्स को समझा उसकी इंपॉर्टेंस। तो क्ले और स्ट्रॉ को मिलाकर उन लोगों ने क्या बनाया? वाल बनाया, दीवार। ठीक है, और उसमें इसका इस्तेमाल क्या होता कि जब क्ले और स्ट्रॉ को जब वो मिलाते थे और उसे जब दीवार को बनाते थे तो उसमें मजबूती आती थी। अब स्ट्रॉ क्या है कि जो सूखे जो घास फूस होते हैं उसके जो आप कह सकते हैं कि जो रेशे टाइप के होते हैं वो मिट्टी को पकड़ते हैं। अब उससे जब उन्होंने दीवार बनाया तो वो उसमें क्या हुआ कि दीवार में मजबूती आई। तो वहां से उन लोगों ने समझा कि रेशे को मिलाने से, इसे करने से, इसमें इस प्रकार से होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है चाइना या ग्रीक कर सकते, उन लोगों ने हेम्प प्लांट, हेम्प जो फाइबर है जो कि हेम्प प्लांट से निकाला गया, उसमें क्या हुआ कि ये जो प्लांट है सबसे फास्ट ग्रो करने वाला प्लांट। ठीक है, अब इससे जो लिनन कपड़े बनाए गए, अब उसका इस्तेमाल उन्होंने जो कफन को तैयार करते थे, कफन जो बनाया जाता था उन देशों में, अब इन्हीं प्लांट के फाइबर से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने भी हेम्प के माध्यम से उसको समझा और जाना। ठीक है, अब बारी आती है हमारे इंडियन,
कि इंडिया में लोग कैसे समझे फाइबर्स के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग आज से 4000 साल पहले, ठीक है, जब वहां पर खुदाई की गई, खुदाई करने के बाद वहां पाया गया कि वहां पर कॉटन का एक कपड़ा मिला, ठीक है, वहां पर क्या मिला, कॉटन का कपड़ा मिला। तो वहां कॉटन का कपड़ा मिलने से, उस पर रिसर्च करने से ये पता चला कि लगभग भारत के लोग इस कॉटन को पहले से ही जानते थे या जान चुके थे कि कॉटन जो है एक फाइबर है, कपड़ा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमारे भारत में भी लोग जो है इसको जाने और समझे, ठीक है। तो ये हमारे जो है हिस्ट्री, और भी बहुत सारे हिस्ट्री, अगर जिस तरह हम डीपली जाएंगे हम समझेंगे तो बहुत सारे हिस्ट्री है फाइबर पे। तो लेकिन जो बेसिक जो चीजें हैं उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम जानेंगे कि फाइबर्स जो है कि कितने टाइप्स हैं। तो पहला हमारा है दो टाइप, दो प्रकार के ही फाइबर होते हैं। एक हमारा हो गया नेचुरल, नेचुरल तो आप जानते हैं जो नेचर से बने हुए हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, और दूसरा हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर को वैसे हम लोग को क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में उसको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फाइबर है वो दो हिस्सों में बांटा गया, पहला हमारा हुआ नेचुरल और दूसरा हो गया सिंथेटिक। अब नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नेचुरल में हमारा हो गया कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया और जूट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉटन को भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सिल्क को भी आप समझते हैं, ऊल को भी आपने देखा होगा, हम लोग ठंडी के मौसम में जो ऊलन क्लॉथ पहनते हैं, ऊलन कपड़े पहनते हैं वो ऊल हो गए, और जूट हो गया नॉर्मल। अगर जूट की बात की जाए तो जूट का बोरा देखते हैं, जूट का रस्सी देखते हैं। तो ये सारी चीजों को तो आपने देखा है, समझा है, लेकिन ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कहां से ये आते हैं, कैसे कॉटन वाले कपड़े बनाए जाते हैं, कैसे सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है, कहां से वो आते हैं, ऊल कैसे तैयार किया जाता है, उलन क्लॉथ कैसे बनाए जाते हैं, और जूट के जो भी प्रोडक्ट है वो कहां से आते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है, कैसे इसकी वेविंग होती है, कैसे इसकी बुनाई होती है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। दूसरा हमारा हो गया सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में मैं बताता हूं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसान ने बनाया है, मतलब कि वो नेचुरल नहीं, दैट इज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। अब ये जो फाइबर है सिंथेटिक, ये केमिकल के द्वारा बनाया गया, केमिकल डालकर उसे रेशा तैयार किया जाता है, और रेशा जब तैयार हो जाता है, जब फाइबर तैयार हो जाता है तो उसकी वेविंग करके हम लोग फिर आर्टिफिशियल फैब्रिक बनाते हैं। आर्टिफिशियल फैब्रिक में अब हमारा नायलन का कपड़ा आपने देखा होगा कि कोई कॉटन का कपड़ा नहीं होता। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, नायलन हो गया, ठीक है, तो इस टाइप पॉलिस्टर के कपड़े हो गए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें क्या है वो केमिकल से बनाई गई, मतलब कि वो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज है कैसे ऑब्टेन की जाती है, जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं इस चैप्टर में, हम लोग ये बखूबी सीखेंगे, जानेंगे कि कौन सी एनिमल से कौन सा फाइबर मिलता है। प्लांट के बारे में आप लोग क्लासिक्स में भी पढ़ चुके हैं, कौन से प्लांट से कौन सा फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, और इस चैप्टर में हम मोस्टली एनिमल्स से जो गेन किए जाते हैं उसको समझेंगे कि एनिमल से कौन से फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं। अब जब फाइबर हमारा ऑब्टेन होता है तो उससे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर की बुनाई करते हैं, ठीक है, धागा बनाते हैं। धागा की बुनाई करके आपने देखा होगा, जब आप कपड़ों को देखिएगा तो देखिएगा कि धागा की बुनाई की गई है, उसमें बहुत सारे धागे जोड़े गए हैं, जोड़ जोड़ कर हमने क्या किया है, आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर सिंपल एग्जांपल अगर दिया जाए फैब्रिक का, तो स्वेटर देखें,
घर में अगर आपकी मम्मी है स्वेटर बनाती तो दो जो होते हैं काटे हम लोग कहते हैं जिससे वो बुनाई की जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर के वो फाइबर लेते हैं और उसकी बुनाई करके वो स्वेटर तैयार करते हैं। इसी प्रकार कपड़े को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कैसे ऑब्टेन किया जाता है इसके बारे में आज हम सुनेंगे जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा ऊल से, स्टार्ट होता होगा कि ऊल कैसे ऑब्टेन किया गया और कहां से गेन किया गया। ठीक है, थैंक यू।